बजाज प्लेटिना 110 सीसी वाली तो काफी डिसेंट सा लुक लग रहा है क्योंकि कलर से मैच किया गया है। आधा वाइट कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं हूं कोस्ट, आपका दोस्त। ले आओ के लिए कौन है टॉपिक, कौन है वीडियो है, नाउ वाचिंग योर माय YouTube चैनल। जैसा कि आपने सिनेमैटिक में देखा, आज के सिनेरियो में हम कवर करने वाले हैं प्लेटिना 110 सीसी की मॉडिफिकेशन। मेन है इसमें एग्जॉस्ट, बाकी इसमें हैंड गार्ड वगैरह हैजार्ड भी इंस्टॉल कर रखा है। तो एग्जॉस्ट जो लगाया है तुमने, एक्रोपब्लिक का लगाया है, होशिमोटो कौन सा लगाया? एक्रोपब्लिक लगाया है। इसका जरूरी नहीं है कि आपको एक्रोपब्लिक का लगाना है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आपको कौन सा पसंद आता है। बाकी 110 सीसी पे, 100 सीसी वाली पे भी हमने मॉडिफिकेशन कर रखी है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और बाइक है तो उस पर भी आप सेम टू सेम मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये भी सिर्फ इसलिए लाई गई है क्योंकि आप लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है प्लेटिना पर लाओ, इस पर लाओ, उस पर, जिस पे आप चाहते हो उस पर हो जाती है मॉडिफिकेशन। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे ना जिसपे, उस पर मैं बना देता हूँ, आपको पता ही है। क्योंकि हम फिर उसके अंदर हमसे सोचते हैं कि हमें सिर्फ वीडियो चाहिए, हमें पैसे की टेंशन नहीं होती। आप आएंगे फर्स्ट टाइम, अगर हमारी कोई वीडियो नहीं है, फर्स्ट टाइम अगर हमारे आएंगे ना, विजिट करेंगे, तो हम रेट टू रेट पर काम कर देते हैं। हमें उसमें कुछ चाहिए भी नहीं, ये ध्यान रखना। जिसको आपको चाहिए, ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ आपको कि जिसकी वीडियो नहीं है और आपको चाहिए तो हम उसकी बना देंगे वीडियोस। जो भी अपने आइटम लगवाना, रेट टू रेट वाला काम होगा, पूरी मार्केट ट्राई कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर हीरो एक्सट्रीम ले आओगे तो भी यस यस, हीरो एक्सट्रीम में अभी तक एग्जॉस्ट की शायद वीडियो नहीं है और फुल मॉडिफिकेशन की वीडियो भी नहीं है। अगर कोई एक्सट्रीम वाला बंदा जो आता है फुल मॉडिफिकेशन कराने के लिए, जैसे कि टॉप ट्रैक सेटलिस्ट और एग्जॉस्ट और भी बहुत सारे इसके अंदर काम हो सकते हैं, जो कि उसमें टाइम लगता है क्योंकि इस वजह से बंदे करा नहीं पाते, एक एक काम करा तो उसमें वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी है कि आप आएँ, आपको रेट टू रेट वाला काम होगा और विजिट करेंगे तो ये हमारा वादा है आपसे कि आपको मज़ा आएगा ही आएगा काम। चलो आगे की वीडियो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि राजू मेरा नाम है। सो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, आप दोस्तों मेरे सामने खड़ी है बजाज प्लेटिना 110 सीसी वाली है और इसको किया है मॉडिफाइड। फ्रंट से अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिसेंट सा लुक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर लगा रखे हैं हैंड गार्ड और हैंड गार्ड को प्रॉपर तरीके से बाइक के कलर से मैच किया गया है, आधा वाइट और आधा ब्लू। इग्निशन करता हूँ ऑन और आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस, अगर हम इंडिकेटर देते हैं ना तो देखो गाइस, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं स्लाइडिंग वाले स्टाइल में। आपके जो है हैंड गार्ड ये देख सकते हो। सो गाइस, बेसिकली इसका जो वर्क होता है वो होता है इनकेस कभी अगर आपकी बाइक गिरती है तो आपके क्लच और लीवर्स जो टूटते नहीं है, सेफ रहते हैं, लुक भी इनहेंस रहता है। और ये यूनिवर्सल होते हैं, किसी बाइक पर लगा सकते हो, स्कूटी पर लगा सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपको ये कितने अच्छे लगते हैं। इसके अलावा लीवर गार्ड भी आते हैं, वो होते हैं मेटल के, तो वो भी मिल जाएंगे गाइज। इसके अलावा गाइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लगा रखा है, इसके अलावा गाइज सिमटेक के 1000 सिस्टम डाला हुआ है, जिसमें आपको 40-50 तरीके के पैटर्न मिलेंगे। पैटर्न यानी कि जो इंडिकेटर है ना आपके, वो 40-50 तरीके के चलेंगे, वो भी अलग अलग स्टाइल में, ये देख सकते हो गाइज। और इसके अंदर हैलोजन बल्ब को हटाकर LED बल्ब लगा रखे हैं, जिसका फोकस और ब्राइटनेस, ब्लिंक करने की टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है अगर मैं कंपेयर करूँ हैलोजन से, ये देख सकते हो आप। अगर मैं नॉर्मल इंडिकेटर देता हूँ तो ये देखो गाइस कितना फोकस है, अभी दिन में इसकी लाइट पता चल रही है, रात जैसे हो जाएगी वैसे इसका फोकस और ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है। और यहाँ पर देख सकते हो आप स्विच है गाइस फॉग लैम्प का, यहाँ लगा रखी है HJG की ओरिजिनल फॉग लैम्प। और ये फॉग लैम्प जो है ये 2-in-1 है और ये स्विच भी 2-in-1 है, यानी कि अगर मैं स्विच को नीचे करता हूँ तो ये देखो गाइस ये रहेगी वाइट, नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। फॉग के समय में आप इस स्विच को ऊपर करोगे तो गाइस ये हो जाएगा येल्लो, और येल्लो जो होता है फॉग को काटने का काम करता है, कोहरा वगैरह सर्दी में जब हो जाता है ना तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ काम करती है। छोटी चीज़ है, वाटरप्रूफ है, प्लस मेटल में इसके पीछे आपको फैन मिल जाता है, जिससे कि जब ये हीट होगा तो ऑटोमेटिकली ठंडी भी होती रहती है। यहाँ पर हॉर्न लगा रखे हैं सेट, एक इस तरफ और गाइस एक इस तरफ लगा रखा है, ये देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्रोम में है, साउंड अच्छा है इसका और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, ये आप देख सकते हो। और ये भी यूनिवर्सल है, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ किसी बाइक में लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये आपकी प्लेटिना के लिए ही है। और काफ़ी दिनों से मैं प्लेटिना की वीडियो बनाई भी नहीं थी, मैंने इसमें एग्जॉस्ट भी लगा रखा है, उसका मैं साउंड आपको सुना देता हूँ गाइस। सो इस हैंडलबार पर यहाँ मोबाइल होल्डर लगा रखा है विद चार्जर, यानी कि अपना फोन भी लगा सकते हो प्लस फोन को चार्ज भी कर सकते हो गाइस। तो मैं करता हूँ स्टार्ट और सुनाता हूँ आपको एग्जॉस्ट का साउंड। ये लगा रहा है गाइस एक्रोपब्लिक का एग्जॉस्ट, साउंड आप सुन सकते हो। और मुझे उम्मीद नहीं थी इसका इतना बेहतरीन साउंड होगा, कमाल है यार। ये देखो यहाँ पर जो आपका सेंसर था वो भी लगा दिया गया है, साउंड एक बार मैं दोबारा सुनाता हूँ आपको।
बाकी सारी मोटिवेशन एक्सरसाइज मैंने आपको दिखा दी गई थी आपकी प्लेटिना 110 सीसी वाली, आप 100 सीसी वाली पे भी ये सेम वर्क करा सकते हो, वाइजर वगैरह लगा सकते हो, एलईडी वाले मिरर लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि सब आप इस पे लगा सकते हो इजीली। तो गाइस ये थी वीडियो जो आपने देखी प्लेटिना 110 सीसी की। आपके पास अगर 100 सीसी वाली है, स्प्लेंडर है, कोई भी बाइक है तो आप सेम मोटिफिकेशन करा सकते हो, ये कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा भी करा सकते हो। अब बात कर लेते हैं शॉप पर आने की। तो इस वीडियो के बाद छोटा सा लोकेशन का वीडियो शुरू होगा, उसको देख के आप डायरेक्ट आ सकते हो हमारी शॉप पर। दिल्ली के रहने वाले तो करोल बाग नाईवाला मार्केट में आप आ सकते हो एसकेडी पर। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर और एक प्राइसिंग की हिंट थोड़ा सा ये भाई साहब देंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है? एड्रेस दिया हुआ है। अच्छा, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस दिया हुआ है, नंबर भी है भाई साहब। डिस्क्रिप्शन बोल नहीं पा रहे, डिस्क्रिप्शन। अरे यार तुम कंफ्यूज कर देते हो यार। डिस्क्रिप्शन में से आप नंबर निकाल सकते हैं और मुझे कॉन्फ्यूज कर देते हैं हमारे भैया ना, सिकंदर भैया थोड़ा कंफ्यूज करते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर निकाल देना। गाइस शॉप पर आने के लिए आपको सबसे पहले आना है हनुमान जी की, आप देख सकते हो मूर्ति है जो कि बहुत विशाल मूर्ति है। आपको यहाँ पर